हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। मे बी आपको थोड़ी बहुत आवाज आ रही हो क्योंकि मैंने कार स्टार्ट की हुई है अभी और एसी चल रहा है। आज का जो सवाल था वो इसी से रिलेटेड था कि कई सब्सक्राइबर ये कह रहे थे कि इंजन नॉइस हुई और जो एसी की नॉइस है, जैसे एसी ऑन करते हैं तो इंजन कंपार्टमेंट में से काफ़ी ज़्यादा नॉइस आती है, उसका रीज़न क्या है। अब वो नॉइस किस चीज़ की है आपको ये भी पहले समझना पड़ेगा, और क्यों आती है ये भी समझना पड़ेगा, और कितनी आती है सबसे पहले तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, मैंने अभी कार को स्टार्ट किया हुआ है और कार को आइडल उस पर लेकर आया हूँ। आप देखिए आइडल है इस समय, आप देखिए आइडल है इस समय, और जो टेम्परेचर है यहाँ पर टेम्परेचर वो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर हो चुका है, जो वर्किंग टेम्परेचर है उस पर, क्योंकि इसको सीधा कोल्ड स्टार्ट में नहीं सुना सकता था मैं, आप समझ सकते हैं इसको आरपीएम काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहते हैं। अभी ग्लासेस सारे ऊपर हैं, सारी विंडोज बंद हैं। दोबारा मैं एसी ऑन करता हूँ और उसके बाद सीधा कंप्रेसर ऑन होगा और आप आवाज़ सुनना फिर। आपको आवाज़ आई होगी, हमिंग साउंड होती है एक हम करके, वो आपको आवाज़ आई होगी। अभी ये था ग्लासेस बंद में, अब मैं आपको ग्लासेस खोल के सुनाता हूँ। ये मैंने किया बंद, ग्लासेस कर लिए ओपन मैंने सारे। अब आप ये देखिए इस समय आइडल में है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। जो आपको आवाज़ आ रही होगी ये हवा की आवाज़ है जो इधर से चल रही है, विंडो ओपन हो चुकी है क्योंकि। अब मैं इसे ऑन करता हूँ, एकदम ठक करके जो आवाज़ आती है वो कंप्रेसर ऑन होता है, और जो हमिंग साउंड आती है वो आती है फैन की। अब मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूँ, ये आवाज़ इसमें ज़्यादा क्यों है और किस लिए आपको फील होती है ज़्यादा। आपको आवाज़ का तो सारा अंदाज़ा लग गया होगा कि जब विंडोज़ बंद होती हैं मतलब कैबिन के अंदर कितनी आवाज़ आती है, जिसे नॉइज़ कह रहे हैं, कितनी नॉइज़ आ रही है, और जब रोल डाउन होती हैं विंडोज़ तब कितनी नॉइज़ आ रही है। तो आखिर आ क्यों रही है? देखिए इसका जो रीज़न है, जो हमिंग साउंड है, हमिंग साउंड आती है जो रेडिएटर का फ़ैन है, कूलिंग फ़ैन है उसकी। अब आपने देखा होगा जो आपके घर में भी फ़ैन वगैरह होते हैं, पंखे होते हैं, जिसका जितना कम आरपीएम होता है उसकी उतनी कम आवाज़ आती है। आप समझ रहे होंगे इस बात को, जितना कम आरपीएम होगा उतनी कम आवाज़ आएगी, और जितना ज़्यादा आरपीएम होगा उतनी ज़्यादा आवाज़ आती है। इस गाड़ी में, पर्टिकुलर गाड़ी में क्या है, इसमें दो सेंसर हैं। एक सेंसर है हमारा जो कूलेंट का है, जो कूलेंट आप जानते हैं रेडिएटर में होता है, कूलेंट का टेम्परेचर को सेंस करता है, और दूसरा सेंसर है इसमें जो इंजन ऑयल का टेम्परेचर को सेंस करता है। तो किसी भी कंडीशन में, सपोज करिए अगर आपका जैसे एक सेंसर होता था, एक सेंसर अगर फेलियर हो जाता था तो उसमें आपका जो एक्टिवेट नहीं हो पाता था फैन, लेकिन इसमें दो हैं सेंसर, किसी का भी टेम्परेचर एक लिमिट से ऊपर हुआ सेंस किया सेंसर्स ने तो वो एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा, फैन ऑन हो जाएगा। और इसकी कूलिंग इतनी ज़्यादा, क्योंकि दोनों, देखिए दोनों चीज़ों को उसे मेंटेन करना है, एक जो हमारा इंजन ऑयल है उसे भी, और दूसरा जो हमारा कूलेंट है उसे भी, तो दोनों को ठंडा रखने के लिए एक साथ एक टेम्परेचर पर लाने के लिए इसका जो फैन है वो हायर आरपीएम का फैन है। हायर आरपीएम है इसीलिए इतनी ज़्यादा हमिंग साउंड आती है। कैबिन के अंदर उतनी नहीं है लेकिन बाहर से सुनाई देती है, कोई इशू नहीं है, हर गाड़ी की अलग टेक्नोलॉजी होती है, इसकी भी है। तो ये जो हमिंग साउंड है वो इसीलिए है, ठक करके जो आवाज़ आती है एकदम, वो एसी ऑन होता है, हर कोई जो गाड़ी रखता है वो जानता है इसे, जो नहीं रखता जो इनिशियल ओनरशिप में है या पहली गाड़ी है जिनकी, उनको मैं बता दूं, एसी जैसे ही ऑन होता है उससे पहले सेंसर जो फैन है, रेडिएटर फैन, उसे सेंस दे देता है, सिग्नल दे देता है, फैन ऑन हो जाता है, उसके तुरंत बाद एक से डेढ़ सेकंड के अंदर एसी ऑन होता है, ठक सी आवाज आती है और कंप्रेसर ऑन हो जाता है, अपना काम करना शुरू कर देता है, आपको ठंडी हवा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो जितने भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं, और अगर अंदर की आप आवाज करें, अगर फैन की आपको आवाज आती है अंदर, तो देखिए वो जो फैन की आवाज है वो भी स्पीड के ऊपर ही डिपेंड करती है। आप जितनी ज्यादा स्पीड कर देंगे फैन की, उतनी तेज आवाज, जितना ज्यादा थ्रो होगा उतनी ज्यादा हवा की आवाज आएगी। अगर आपको फिर भी लग रही है तो आप जो वेंट्स हैं आपके, ये देखिए वेंट्स को चेक कर लीजिए, अगर कोई वेंट बंद होगा, जैसे ये बंद कर दिया मैंने,
तो आपको आवाज ज्यादा आने लगेगी, क्योंकि यहाँ पर जो केवल दो वेंट से ही हमारा फ्लो आ रहा है उस हवा का, तो ज्यादा आवाज आएगी। और अगर इसे हम खोल दें तो हमारी जो हवा है वो चारों वेंट से आने लगी और आवाज कम हो जाएगी। जिस किसी की भी शिकायत है कि इसमें ज्यादा आवाज आती है, वो इसका जो जड़ है जिसे रूट कहते हैं, मेन रीजन है, वो नहीं समझ पा रहा इसमें जो आवाज है वो ज्यादा क्यों आ रही है, वो इसीलिए। और जो कूलिंग है इसकी इतनी ज्यादा, जो कूलिंग अंदर भी और बाहर जो इंजन बे है उसकी भी जो कूलिंग है इतनी ज्यादा, उससे आपको क्या फायदा होगा? उससे आपको यही फायदा है कि जहां आपकी दूसरी गाड़ियों को थोड़ा आराम देना पड़ जाता था, आप 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर या फिर राजस्थान के टूर पे जाने हैं, ज्यादा गर्मी हो रही है, तो वहां पर ही आपकी बेटर एफिशिएंसी के साथ वर्क करेगी गाड़ी, क्योंकि इसमें जो कूलिंग कंपोनेंट है वो ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो आप इस चीज को समझिए, आप केवल आवाज को मत देखिए। अब कोई चीज ज्यादा तेज घूमेगी, आरपीएम उसके ज्यादा होंगे तो अपने आप ही ज्यादा आवाज आएगी उसकी। उसी के साथ साथ इसमें दो कूलिंग कॉइल है, मैं आपको बता दूं, एक जैसे सब गाड़ियों में आगे होती है और दूसरी ही कूलिंग कॉइल इसमें इस सीट के जो को ड्राइवर सीट है इसके नीचे लगी हुई है, वो है रियर जितनी हमारी जो वेंट्स हैं उनके लिए। थर्ड रो हुई, सेकंड रो हुई, उसमें जो वेंट्स है वो तभी ऑन होते हैं जब हम यहां से इसको ऑन कर देते हैं। ये देखिए, यहां से इसको ऑन कर देंगे तभी ऑन होते हैं और वो तब काम करते हैं। तो सोचिए, इतनी सारी जो चीजें हैं उनको कूल करने के लिए, उनको कूल रखने के लिए एक बड़े फैन की और अच्छे कूलिंग सिस्टम की जरूरत है, और उसका वही काम है जो आपको आवाज आ रही है, जो फैन की आवाज आ रही है रेडिएटर फैन की, वो वही है, क्योंकि वो हायर आरपीएम पे वर्क कर रहा है इन सारी चीजों को अपने जो वर्किंग टेम्परेचर है उसमें मेंटेन करने के लिए। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। कई लोगों के जो मिथ हैं या जो नहीं समझ पा रहे इस चीज को कि आवाज क्यों आ रही है, हल्ला क्यों मचा रहा है, तो वो इस चीज को समझ पाए होंगे। ये बुराई नहीं है, ये एक अच्छाई है, अच्छे से एफिशिएंटली वर्क करे गाड़ी आपके किसी भी रफ कंडीशंस हो या कहीं ज्यादा गर्मी हो, वहां पर उसी एफिशिएंसी के साथ वर्क करे जितनी एफिशिएंसी के साथ नॉर्मल टेम्परेचर में आपकी वर्क करती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्रिप्शन जो है फिर से कम हो गए हैं सब्सक्राइबर रेट, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, ऐसे ही देख के मत जाइए अगर अच्छी लगी वीडियो को। और कमेंट कीजिए इसी तरह की, अगर कोई और क्वेरी है आपकी इससे रिलेटेड, किसी और गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो उसको मैं जरूर जितना हो सके, कहीं अगर मेरे पास खुद नॉलेज है मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो कहीं से गेन करके आप तक सही इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। तो यही था इसमें, और जय हिंद।